मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा हाल ही में अपनी बिगड़ती तबीयत को लेकर काफी चर्चा में आए थे। जिम में कसरत करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि अब रेमो बिल्कुल ठीक हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस को दी थी, लेकिन रेमो ने हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। तो दोस्तों, क्या है ये खुलासा, जानिए आज की हमारी इस वीडियो पर। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आकाश, आपका दोस्त, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, दरअसल रेमो डिसूजा ने बताया है कि कैसे बचपन में लोग उनके काले रंग को लेकर चिढ़ाते थे और अजीब कमेंट्स भी करते थे। दरअसल रेमो ने बताया कि बहुत ही कम उम्र में उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था। लोग उनके रंग को लेकर बहुत मजाक बनाते थे। शुरुआत में उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन ये चीज आगे जाकर और बढ़ गई। लेकिन अब वो कहते हैं कि उस वक्त उन्हें रंग भेद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज गलत है। रेमो का मानना है कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि इसी विचार के साथ वे आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, और जब लोग उनके रंग को लेकर बात करते थे तो वो उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। ये कड़वी बातें सुनकर और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती थी उन्हें। यही विचार है कि वे आज एक दमदार मुकाम पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, रेमो कहते हैं कि रंग भेद सिर्फ छोटे शहरों या गांवों में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है जिसे आपको स्वीकार करना पड़ता है। बातचीत के दौरान रेमो ने आगे कहा कि मैंने बचपन से अपने रंग की वजह से इस समस्या का सामना किया है। केवल भारत में नहीं, यहां तक कि विदेश यात्राओं के दौरान भी मैंने रेसिज्म का अनुभव किया है। रेमो डिसूजा कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं समझ आया कि इस चीज को नजरअंदाज करना गलत बात है। अब मैं रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्षम हूं। वो कहते हैं कि मेरे रंग पर उन टिप्पणियों ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की और मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। लेकिन अब मैं रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हूं। मुझे जहां भी गलत लगता है मैं उसके खिलाफ अपनी बात जरूर रखता हूं। और वो सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भी किसी भी तरह के रेसिज्म में इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको कहीं पर रेसिज्म होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज भी जरूर उठानी चाहिए। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। नमस्कार।